क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स का इतना टैलेंटेड होना, बिजनेस में जीनियस होना और अपने कंपनी के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करना ही उनके कम उम्र में मरने का रीजन बन गया था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्या हो गया कि स्टीव को हरे कृष्णा मंदिर के आगे मुफ्त के खाने का इंतजार करना पड़ता था। ऐसा भी क्या हो गया कि जब उन्हें अपनी ही कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया गया तो वो बहुत खुश थे। और लास्टली क्यों स्टीव का सबसे बड़ा सपना इंडिया आने का था। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि जन्म के समय स्टीव जॉब्स का नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था, क्योंकि उनके पिता अब्दुल फतेह जंदाली सीरिया से बिलोंग करते थे और उनकी मम्मी जोएंस केबल सिम्पसन स्विस जर्मन थी। कॉलेज के दौरान ही जोएंस सिम्पसन प्रेग्नेंट हो गई, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस अनवांटेड चाइल्ड स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे फैमिली में अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। स्टीव जॉब्स को फिर पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स नाम के हस्बैंड वाइफ ने सैन फ्रांसिस्को में ही अडॉप्ट किया। कुछ समय के बाद जॉब्स फैमिली ने सोचा कि किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वो लोग कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू शहर में शिफ्ट हो गए। इस जगह की खास बात ये थी कि ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ माउंटेन व्यू इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत आगे थी और ये सिटी का मेन सेंटर बन चुका था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की डेवलपमेंट में माउंटेन व्यू ही सबसे आगे रहता था। और यही एक वजह है जिसकी वजह से स्टीव को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी दिलचस्पी थी। लेकिन स्टीव के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे और स्कूल के बच्चे स्टीव को बहुत बुली करते थे। अपने स्टीव को इस तरह देखकर फैमिली ने फिर डिसाइड किया कि किसी दूसरे सिटी शिफ्ट होना चाहिए। ये लोग फिर लॉस एटलास में शिफ्ट हुए, जिस वजह से स्टीव जॉब्स को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और यहाँ उनकी मुलाकात उस लड़के से हुई जिसकी मदद से इन दोनों ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही बदल के रख दी। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई स्टीव वॉजनेक नाम के लड़के से। इन दोनों में कॉमन ये था कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में बहुत इंटरेस्टेड थे, जिससे इनकी गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल लाइफ की बात करें तो स्टीव जॉब्स ने स्कूल टाइम के दौरान एचपी कंपनी में इंटर्नशिप की थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छे ना होने के कारण जॉब्स हाई स्कूल के बाद कैंपस प्लेसमेंट नहीं ले सके। इसके बाद उन्होंने ओरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही स्टीव ने पेरेंट्स को बिना बताए इस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि कॉलेज के मोस्ट ऑफ द क्लासेस टाइम वेस्ट करवाते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही स्किल डेवलप करेंगे जो उन्हें आगे जाके हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कॉलीग्राफी की क्लासेस ली, जिससे उन्होंने इंग्लिश वर्ड को अलग अलग सुंदर तरीके से लिखना सीखा। दोस्तों, ये आर्ट, यही स्किल फ्यूचर कंप्यूटर्स में अलग अलग टाइपोग्राफी बनाने में काम आई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टीव जॉब्स के लिए वो समय था जब वो अपने फ्रेंड्स के हॉस्टल रूम में फर्श पे सोया करते थे। वो पैसों और खाने का इंतजाम करने के लिए कोका कोला की खाली बॉटल्स बेचते थे। इसके साथ साथ वो हर संडे कैंपस के पास ही हरे कृष्णा मंदिर में मुफ्त का खाना खाने जाते थे। और कुछ महीनों बाद द जीनियस स्टीव वॉजनेक एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो इंटरनेशनल कॉल्स कर पाएगी, और वो भी बिना एक रुपए खर्च के। स्टीव जॉब्स मानो पागल हो गए, क्योंकि वो खुद इतने शौकीन थे इन्वेंशन के कि जब उन्हीं के खास दोस्त ने ये ब्लू बॉक्स नाम की डिवाइस बनाई, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और लग गए एक के बाद एक ब्लू बॉक्स को बना के बेचने में। इसके कुछ सालों के बाद स्टीव जॉब्स की नौकरी लगी एज अ टेक्नीशियन अटारी में, जहां उनका इंडिया विजिट करने का सपना भी पूरा हुआ। दरअसल अटारी की तरफ से कुछ टेक्नीशियन को जर्मनी भेजा गया और इसमें स्टीव जॉब्स भी शामिल थे। तो जॉब्स ने रिक्वेस्ट की कि मुझे वन वे जर्मनी की टिकट दो और आने के पैसे मुझे कैश में दे दो। अटारी कंपनी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो वो मान गए। स्टीव भारत बहुत समय से आना चाहते थे। दरअसल जॉब स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर सेल्फ को तलाशना चाहते थे। यहाँ आके वो हमेशा ढीले ढाले कपड़े ही पहनते थे। भारत के कल्चर में वो इतना डूब गए थे कि उन्होंने फिर नंगे पैर साधु की तरह घूमना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रिप स्टीव जॉब्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। यहाँ उन्होंने जाना कि इंसान का सोल उसके दिमाग और समझने की क्षमता से बहुत ऊपर और पावरफुल है। ऐसा माना जाता है कि जॉब्स का यही पेशेंस और डिसिप्लिन एप्पल कंपनी का सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीजन बना। और फाइनली 1976 में स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड विन के साथ एप्पल कंपनी शुरू की। पैसे ना होने के कारण इन तीनों को जॉब्स के गैराज में ही काम करना पड़ता था और फिर दिन रात मेहनत करने के बाद तीनों ने मिलकर एप्पल वन कंप्यूटर बनाया, जो कि आज के कंप्यूटर से काफी अलग था। वॉजनेक और रोनाल्ड का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में होता था और वहीं स्टीव जॉब्स हर कंपनी को कॉल करके इन्वेस्टर्स को ढूंढते थे। देखा जाए तो एप्पल वन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो कुछ और इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी ऐड करके कुछ ही सालों बाद एप्पल टू को तैयार किया गया। ये काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ही था और दोस्तों कुछ ही दिनों में ये एक रेवोल्यूशनल सिंबल बन गया। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि उस दिन के 3 साल के बाद एप्पल टू पर्सनल कंप्यूटर ने $118 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया और इन्वेस्टर्स की तो मानो लाइन ही लग गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो स्टीव जॉब्स अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। एप्पल टू के बाद जॉब्स ने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए वो एक के बाद एक बुरी तरह से फेल होते गए, जैसे एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर। और यहां तक कि जिसमें खूब पैसा लगा के एप्पल मैकिंटोश को तैयार किया गया, वो भी मार्केट में एक्सपेक्टेड
रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पाया। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना था कि कोई बंदा एक प्रोडक्ट को सक्सेस दिला के भगवान नहीं बन सकता। अगर कंपनी में सर्वाइव करना है तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ फेलियर प्रोडक्ट्स से, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स को बनाने में स्टीव जॉब्स इंचार्ज थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिर्फ उन्हें उन सब के फेलियर का रीजन बताया और फाइनली स्टीव जॉब्स को कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया। दोस्तों वो वक्त स्टीव के लिए बहुत बुरा वक्त था, लेकिन अपने जीनियस और टैलेंटेड स्टीव को कंपनी से निकालने के बाद भी कोई रोक नहीं पाया। जॉब्स ने फिर नेक्स्ट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और इसी दौरान पिक्सार नाम की एनिमेटेड स्टूडियो कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स खरीद के वहाँ के सीईओ और चेयरमैन भी बन गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिक्सार वही कंपनी है जिसने स्टीव जॉब्स की हेल्प से 1995 में फर्स्ट 3D एनिमेशन मूवी टॉय स्टोरी को रिलीज किया था। एक तरफ स्टीव जॉब्स यहाँ भी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे थे और दूसरी तरफ सिर्फ जॉब्स के ना होने से एप्पल कंपनी बैंकरप्ट हो गई और कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया और वहाँ का सीईओ भी बनाया गया। और इस बार स्टीव जॉब्स अपने साथ नेक्स्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स को भी लेके आए, जो कि आगे चल के मैक ओएस के नाम से जाना गया। और हम कह सकते हैं कि यही एक रीजन था जिसने एप्पल कंपनी को डूबने से बचा लिया। एप्पल कंपनी में स्टेबिलिटी आ चुकी थी, अब जो बचा था वो था कि एक के बाद एक बस इन्वेंशन करना। फिर जॉब्स ने 2001 में आईपॉड नाम का प्रोडक्ट निकाला जिससे हम हजारों गाने अपने जेब में रख के सुन सकते थे। फिर 2007 में उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से आज की डेट में एप्पल $3 trillion की कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल आईफोन की। आईफोन ने रातों रात पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का गेम ही चेंज कर दिया और ये आईफोन हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च के नाम से भी जाना गया। लेकिन गाइस ये तो बस शुरुआत थी, अब तो स्टीव जॉब्स को और भी आगे जाना था, लेकिन अब उनकी सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। दरअसल जॉब्स की हेल्थ प्रॉब्लम तो 2003 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जब उनके किडनी में स्टोन्स के लिए सिटी स्कैन करना पड़ा तो डॉक्टर्स को पता चला कि उनके किडनी में स्टोन्स ही नहीं बल्कि न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर भी था, जो कि एक रेयर पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। स्टीव ने अपने इस हालत का जिम्मेदार अपने बिजी स्केड्यूल को बताया, क्योंकि उन्होंने काफी सालों तक पिक्सार और एप्पल कंपनी को एक साथ संभाला था। वो सुबह 7 बजे निकलते थे और काम से वापस 10 बजे रात को आते थे। वो काम में इतना बिजी हो जाते थे कि टाइम पे खाना पीना, अच्छे से वर्कआउट करना, ये सब उनकी जिंदगी में था ही नहीं। यहाँ तक कि अपने पैनक्रियाटिक सर्जरी को भी उन्होंने 9 महीने के लिए टाल दिया और रीजन यही बताया कि मैं बिजी था। लेकिन जॉब्स की हालत जब और खराब होती गई तब उन्हें अपनी लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ और कुछ और साल लड़ने के बाद वो अपने जानलेवा बीमारी को हरा नहीं पाए, जिसके चलते 5 अक्टूबर 2011 में 55 साल की एज में ही उनका देहांत हो गया। पता नहीं, मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि अगर अभी स्टीव जॉब्स हमारे साथ होते ना तो ना जाने कितने और आईफोन जैसे इन्वेंशन हो जाते। दोस्तों आपका इसमें क्या कहना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।